को आमंत्रित करता हूँ। आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं और आपका विषय बैखानस आगम में वाणी दार्शनिक तत्व। कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं शिवानंद बेहरा और मेरा टॉपिक का नाम है वैखानस आगम में वर्णित दार्शनिक तत्व। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसका मूल उत्स वेद है, और वेद क्योंकि है और वेद के अनेक शाखाएं हैं, फिर बाद में उनके प्रशाखाएं प्रचलित हुई। तो और जब कालक्रम आगे बढ़ता गया तो अनेक वर्ग के लोग अपने अपने आस्थाओं को आधार बना के जो है विभिन्न ग्रंथों को अपना अपना सर्व प्रमुख ग्रंथ मानने लगे। तो उसी में निगम एवं आगम दो विभाजित हुए, जबकि वे मूल रूप से विभाजित नहीं है, दोनों ही भारतीय परंपरा के मूल उत्स ही है। क्योंकि आगम में जो है असमंतात गमयति आगम, जो कि सारे चीजों को हमको बता दे, और निगम भी है निशेषेण गमयति, जो कि और कुछ भी न बच जाए और सारे चीजों को बता दे। तो दोनों का मूल उत्स वही है कि हमको जो संपूर्ण ज्ञान प्रदान करे वो हमारे भारतीय शास्त्र का था। तो देखिए आगम है असमंतात अर्थम गमयति, जो समस्त चीजों को हमको अवगत कराए वो आगम शास्त्र है। और है आगच्छन्ति बुद्धिम आरोहन्ति यस्मात् अभ्युदय निःश्रेयसो बायः स आगमः। यानी कि हमारे बुद्धि में समस्त निःश्रेयसो पाय यानी कि मोक्ष के उपाय, और अभ्युदय यानी कि यहाँ के जो संसार के भोग संबंधी, तो संसार में रहते हुए जीवन और पुनः अपवर्ग दोनों का जो ज्ञान प्राप्त करा दे हुए वह आगम है। फिर है आगतम शिववक्त्रेभ्यो गतम च गिरिजा श्रुतौ मतम श्री वासुदेवस्य तस्माद् आगम उच्यते। यह आजकल समस्त शाखाओं में और हर जगह प्रचलित भी है यह श्लोक, कि जो शिववक्त्रेभ्यो आगतम, जो आगत है यानी कि पहुंचा है शिव जी के मुखमंडल से, और गिरिजा श्रुतौ यानी कि जो पार्वती जी जो सुने और फिर से उसको कहे, लेकिन वो मत किसका था, वो मत था श्री वासुदेवस्य, वो भगवान श्री कृष्ण जी के बताया हुआ ज्ञान परंपरा ही था, तो उसको भी आगम कहा जाता है। और आगमों में मूलतः अनेक आगम हुए, जिसमें शैवागम, शाक्तागम, वैष्णवागम प्रमुख आगम माने जाते हैं। वैष्णवागम में भी वैष्णवागम में कौन है, तो पांचरात्रम भागवतम तथा वैखानसाविदम इति त्रिविधा वैष्णवागमा श्रूयन्ते। वैष्णवागमों में भी तीन आगम प्रमुख है, एक है पांचरात्रम, फिर है भागवतम और वैखानस, ये तीन आगम। नेक्स्ट लाइन। इन तीनों आगमों में भी कालांतर में निगम एगम एवं आगम के आधार पर विभक्त हुई, क्योंकि भारत निगम मूलक है, ज्ञान परंपरा वेद मूलक है, तो निश्चित से वेद के जो परंपरा थे वैदिक परंपरा, उसका प्रभाव आगम परंपरा में भी आया। तो कहा जाता है कि विखननाथ वैखानस शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्या है वैखानस आगम, इसको हम जब देखते हैं तो कहा जाता है विखननात वैखानस, जो खनन करे। खनन का अर्थ है कि खोदना, तो क्या खुदाई करेगा, तो बोलते हैं कि जो समाज से बुराइयों को निचोड़ के रख दे और निकाल दे और समस्त सुधार समाज को सुधार कर सके, ऐसा नीति वाक्यों को जो हमको प्रदान करे वो वैखानस है। फिर कहा जाता है विशेषण खननात गंभीरार्थोद्धरणात् विशिष्ट वैष्णव धर्मावधारण मीमांस विशेषात विखना इति विखनस इति चुच्यते इति च ज्ञायते। यानी कि जो विशेष रूप से अनेक चीजों का विमर्श करके हमारे बुद्धि में गहन चिंतन देके वैष्णव आगम के नीतियों को हमारे बुद्धि में पहुंचा देवे वो भी वैखानस है। तो वैखानस क्या है, आदि काले तो भगवान ब्रह्मा तो विखना मुनि यजुशाखानुसारेण चक्रे सूत्रम महत्तरम। भगवान ब्रह्मा यानी कि भगवान ब्रह्मा जो भी हमारे भारतीय में कोई ब्रह्मा कहे चाहे शिव कहे, जो मूल रूप मूल ईश्वर है वो एक ही है, तो भगवान जो है उन्हीं के द्वारा प्रदत्त ज्ञान विखना मुनि जो थे उनको दिया गया, एवं विखना मुनि के द्वारा प्रणीत सारे चीजें वैखानस आगम में ग्रंथ में आते हैं। निगम विखना प्रोक्त, यह वैखानस आगम को निगम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वैदिक प्रभाव भी देखे जाते हैं। वैखानसम ही निगम, वैखानसम पांचरात्रम, वैदिकम तांत्रिकम क्रमात्, ऐसे में वैखानस वैदिक है और पांचरात्र इत्यादि तांत्रिक में माने जाते हैं। तो इसमें कई सारे हम वर्णन को देखेंगे दार्शनिक तत्व का। सबसे पहले हम ब्रह्म हमारे भगवान का स्वरूप क्या दिया गया है हम इसको देखेंगे।
तो कहा जाता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान से ही सारे दुनिया की उत्पत्ति हुई है। तो भगवान कैसे थे? तो महानारायण उपनिषद का यहाँ मैं संदर्भ देके कहता हूँ, पद्म कोश प्रतिकासे महति विश्वस्य आयतने नील तोयद मध्यस्था विद्युल्लेखे व भासुरा निवार शुकवत तन्वी बन्ही शिखा व्यवस्थिता तस्या शिखाया मध्य परमात्मा व्यवस्थित। यानी कि पद्म कोश जैसा बहुत बड़ी विचित्र दुनिया में, सारा ब्रह्मांड में विश्वस्य आयतने बहुत ही बड़ा विश्व है, उसमें नील तोयद मध्यस्था समस्त नील आकाश कहें चाहे नील सागर कहें, उसके बीच में विद्युल्लेखे व एकदम चमकती हुई एक जगह है, वहाँ पे भासुरा निवार शुकवत बन्ही शिखा, एक बन्ही शिखा दे दीप्यमान है, उसी बन्ही शिखा के बीच में जो है तस्या शिखाया मध्य परमात्मा व्यवस्थित भगवान अवस्थित होते हैं। स ब्रह्म स शिव सेन्द्र सोक्षर परम स्वराट, उसी को कोई भगवान शिव कहता है, कोई भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान विष्णु कहा जाता है, कहीं वेदों में इंद्र के नाम से आता है, वही है। तो कहा जाता है कि भगवान, अच्छा तो साकार है या निराकार है? आज के संदर्भ में सबसे ज्यादा यह प्रश्न होता है, कई लोग साकार को पूजन करते हैं, कई लोग निराकार भगवान का पूजन करते हैं। तो कहते हैं कि भगवान का मूल रूप इसमें ऐसा दिया गया है, विशुद्ध स्फटिकमणि जपा कुसुमात द्यु उपाधि उपाधि संयोगादि यथा नानाविध रागो पहितो दृश्यते तथैव निर्गुणो भगवान नारायण विष्णु साकार स्वरूप धारण मत्स्य कुर्मादि अवतार रूपेण अवतरति। कहा जाता है कि भगवान विष्णु बिल्कुल स्फटिक मणि जैसा शुद्ध है, उनमें अन्य कोई रंग नहीं है, यानी कि अन्य कोई रूप स्वरूपता नहीं होती है, परंतु वो अपने ही इच्छा से अपनी ही लीला से, जैसे कि यहाँ स्फटिक मणि है, यहाँ कोई जपा कुसुम यानी कि कोई लाल फूल यहाँ रख दिया जाए तो यहाँ बगल वाले व्यक्ति को लगता है कि यह मणि ही लाल हो गई है, वैसे ही भगवान अपने ही इच्छा से अपने माया अपने लीला द्वारा अनेक रूपों में, कैसे रूपों में, तो बोलते हैं कि मत्स्य कुर्म इत्यादि अनेक रूपों में यहाँ अवतरित होते हैं। ये है भगवान का साकार रूप। तो साकार रूप में भी जब आते हैं तो साकार कैसा है? तो बोलते हैं कि नहीं, साकार जो है वो भी उनके ही लीला है। साकारम निराकारम भवत निराकारम च भवत्याराधनम द्विधा प्रतिमाराधनम श्रेष्ठम साकारम अविधीयते। साकार किसको कहा जाता है कि साकार निराकार दोनों है, परंतु जो साकार है जो सगुण है उनका उपासना को सबसे अच्छा माना जाता है वैष्णव भक्ति धारा में। तो स्थंडिले सलिले वापि हृदय सूर्य मंडले आराधनम निराकारम तयो साकारम उत्तम। जबकि निराकार रूप में कहीं भी पानी में अपने हृदय मंडल में ध्यान के द्वारा भी उपासना की जाती है, फिर भी साकार रूप का उपासना करने में सबसे अच्छा है, मोक्ष मार्ग के लिए यह सबसे अच्छा मार्ग माना गया है। बोला जाता है कि तृतीय विभवाक्षम तो विश्वंतर मध्यम। यह जो विभव संपूर्ण संसार है ये भी भगवान से अलग नहीं है, भगवान ने अपने लीला के द्वारा ही इस सब संपूर्ण विश्व के रूप में यहाँ आए। तो कैसे? नाना कारक क्रिया कर्तृ रूपम वक्षे महात्मनः विभवा मत्स्य कुर्माद्या हयग्रीवादयो मतः। यानी कि अनेक रूपों में इसी संसार में उन्हीं के लीला द्वारा वो अवतरित हुए हैं। फिर कहा जाता है अवताराश्च कीर्त्यन्ते भूयांस परमात्मनः धर्म संरक्षणार्थाय दुष्ट संशिक्षणाय च। कहा जाता है कि भगवान क्यों यहाँ साकार रूप में आते हैं? तो कहा जाता है जहाँ इस संसार में धर्म कमजोर होने लगता है, पाप आदि इत्यादि चीजें बढ़ने लगते हैं, तब भगवान अनेक रूपों में यहाँ अवतरित होते हैं। क्यों? धर्म संरक्षणार्थाय दुष्ट संशिक्षणाय च। यह श्लोक लगभग श्रीमद् भगवद गीता की जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम, इस श्लोक से लगभग मिलता जुलता इसमें भी है और दोनों का एक ही स्रोत। तो कहा जाता है कि क्या भगवान ही केवल सृष्टि में अपने अपने स्वरूप को सृष्टि करते हैं? नहीं, हमारे भारतीय परंपरा का सारे ज्ञान के उत्स में पुरुष एवं प्रकृति, नारी एवं पुरुष दोनों को समान आख्या दिया गया है। तो उस संदर्भ में इसमें भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ भगवती जो श्री लक्ष्मी देवी है वो सर्वदा भगवान विष्णु से अलग होके नहीं रहते हैं, सर्वदा संलिप्त होके दोनों को एकाकार ही माना जाता है। लगभग प्रकृति रियम वैखान सागम शक्ति पदे न श्री पदे नर्ण्यति, और वह प्रकृति वह भगवती लक्ष्मी श्री पद से या फिर शक्ति पद से जाने जाते हैं। श्रीया नित्यानपायिन्या सव्यमानो जगतपति, और वो जगतपति यानी भगवान विष्णु कैसे सेवित होते हैं? नित्या हर समय अनपायिन्या और बिना अलग होते हुए सव्यमानो, श्रीया सव्यमानो लक्ष्मी के साथ सेवित होते रहते हैं।
फिर कहा जाता है श्री श्रीयस्त संबंध चंद्र चंद्री कयोरी व, इनको कैसे डिफाइन किया जाए, ये दोनों एक हैं। तो जैसे ही चंद्र और चंद्रमा के जो चंद्रिका कहा जाता है, चंद्रमा की किरण अलग नहीं है, एक ही है, तो वैसे ही चंद्र और चंद्रिका के जैसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी भी एक ही है। और कहा जाता है तस्मात्तया श्रिया सार्धम पूजयत पुरुषोत्तमम, तब कहा जाता है जब भी भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए तब भगवती श्री लक्ष्मी देवी के साथ ही उनकी पूजा करना चाहिए। तो संसार का हेतु में दोनों ही मिलित रूप से दोनों कारण है, यानी कि दोनों मिलित रूप से ही इस संसार को लाते हैं, दृश्यमान अवस्था में लाते हैं। शक्ति स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी ही समस्त चराचर जगत मूल कारण की प्रकृति मानी गई है। और भी श्रीमन नारायणम अर्चयेत, श्रीमन नारायण में संस्कृत में जो है मतु प्रत्यय का प्रयोग है। अब मतु प्रत्यय जहाँ जैसे धनवान, धनवान ऐसा व्यक्ति है हर समय उसके पास धन रहता हो, ऐसे श्रीमन नारायण यानी कि नारायण के पास हर समय श्री रहती है, लक्ष्मी रहती है, तो दोनों का एकाकार रूप में यहाँ पूजा करने की आदेश है। तो सृष्टि प्रक्रिया कैसी है, तो सृष्टि प्रक्रिया लगभग सांख्य जैसी ही है, 25 तत्व, लेकिन उसके ऊपर और चार यहाँ संसार का वर्णन किया गया है। जैसे कि भगवान की शुद्धा सृष्टि, इसको शुद्धा सृष्टि कहा जाता है, आमोद सम्मोद प्रमोद और वैकुंठ चार धाम माने गए हैं, यह क्रमानुसार है। जैसे कि आमोद सम्मोद उसके ऊपर, पुनः उसके उच्च वर्ग में प्रमोद और वैकुंठ, वैकुंठ धाम को सर्वोत्तम माना गया है। और जब भक्त कभी भक्ति में आता भी है तो वो क्रमानुसार चीजों को प्राप्त करता है। जैसे कि भगवती श्रीदेवी के साथ भी जो है वैकुंठ रूप में भगवान श्री विष्णु हर समय रहते हैं। और शुद्धेतरा सृष्टि में जो 25 तत्व का वर्णन है वो लगभग सांख्य दर्शन जैसा ही है। और सांख्य दर्शन में कहा गया है सत्व रज तमसान साम्यावस्था प्रकृति, तीनों का जो साम्यावस्था है वही प्रकृति या सृष्टि है। ये 25 तत्व आप देख सकते हैं वो बिल्कुल सांख्य के समान ही होता है, जो है पुरुष और प्रकृति, और जो है उससे महत, फिर अहंकार, उससे पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा इत्यादि। जीवात्मा एवं बंधन का स्वरूप, जीवात्मा, तो जीवात्मा कैसा है, जीवात्मा अत्यंत सूक्ष्म है, जो प्रति जीव में आके समाहित होके यह शरीर को संचालित करता है। संचालित वह नहीं करता है बल्कि भगवान के उपदेश के क्रम में, भगवान की लीला द्वारा ही वो भी संचालित होता है। अन्य नाभूत जीवात्मा नित्य सर्वगत शुचि, वह नित्य और सर्वगत सूचि ही है, बिल्कुल शुद्ध है। परंतु एवं भूत तनुम प्राप्य तत्त कर्मावशादसु, लेकिन वह अपने ही यह शरीर में आके अनेक अनेक कर्मों को करके उसके फलस्वरूप पुनः अनेक अनेक जन्मों में वो प्रचलित होता रहता है, इसी जीवन चक्र में पड़ जाता है। और अपने ही कारण से वो इस संसार में रहता है। अब वही भक्ति द्वारा फिर से मोक्ष प्राप्त करे तो वह संसार से भगवान की ओर जाता है। तो मोक्ष का स्वरूप एवं मोक्ष उपाय, मोक्ष का क्या स्वरूप है, तो कहा जाता है कि श्री श्री नारायण के समाराधना से भगवान की कृपा प्रसाद से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष क्या है, संसार बंध वासना मुक्तिर मोक्ष, इस संसार के जो बंध है इन सब से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। मुक्त हो जाना यानी कि इस संसार में पुनः जन्म न लेके भगवान के सेवा में उपस्थित रहना। मोक्ष मार्ग के चार प्रकार भी मोक्ष का मार्ग वर्णन किया गया है उसमें, जो है सामीप्य सालोक के लक्षण से आमोद लोक की प्राप्ति होती है, जो सर्वप्रथम प्राप्ति होती है। फिर से सामीप्य लक्षण से, भगवान से जब सामीप्य लक्षण प्राप्त होती है तो प्रमोद लोक में वह प्राप्ति होती है, वो भी मोक्ष है। पुनः सारूप्य लक्षण से सम्मोद लोक की प्राप्ति होती है, एवं सायुज्य से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, जो कि भगवान का उच्चतम। तो भगवान की आराधना भी चार प्रकार का कहा गया है, जप भूत अर्चन एवं ध्यान, चारों प्रकार के आराधना से प्रसन्न होकर भगवान मोक्ष को प्रदान करते हैं। भक्ति का वैशिष्ट्य क्या है, तो बोलते हैं कि भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ये वैष्णव उपगम में निर्दिष्ट है। तो वैखानस आगम का भी क्या विशिष्टता है इन सब में, वैखानस आगम को मूलतः बहुत ही प्रशंसा किया गया है। कहा गया कि विष्णु भक्त सहस्रभ्यो विप्रो वैखानसो वर, जो भी विष्णु भक्त हैं उनमें से जो वैखानस आगम का पालन करते हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। धर्माणाम वैष्णवो धर्म स्मृति नाम मानवी स्मृति विप्राणाम वेद विदुषाम यथा वैखानसोवर, यहाँ भी उनका प्रशंसा है। अनन्य शरणाराजन तस्मात वैखानसावरा, और किसी के शरण में न जाके तुम वैखानस का आगम का पालन करते हुए श्री भगवान श्री विष्णु का शरण में जाओ, ये कहा गया है। धन्यवाद।